ब्लॉग आप देख रहे हैं बीएन ब्लॉग पेटेंट और हिंदी यूट्यूब चैनल। आज आ गया है बारासात बैरकपुर रोड का सामने एक फार्म पे। वो एक दादा का एक बायोफ्लैग फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है। वो फार्मिंग करता है, ब्रीडिंग करता है। और वीडियो का माध्यम पे देखेंगे आप ये दादा के पास क्या क्या फिश अवेलेबल है। वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। दादा आपका नाम और यहाँ का एड्रेस थोड़ा सा बोल दीजिए। मेरा कंपनी का नाम है द ऑर्गेनिक लेक। इसका एड्रेस है, अगर आप कलकत्ता से उतना ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों का, अप्रोक्स 30 किलोमीटर्स दूर है हमारा फार्म। तो इसमें अगर आप कलकत्ता से आएंगे तो, अगर शियालदह से आएंगे तो आपको बारासात और बैरकपुर का कुछ कोई भी स्टेशन में आप आ सकते हैं। उसका बाद आपको बाई बस और बाई ऑटो आना पड़ेगा। बस नंबर 81 और ऑटो आप किसी भी बैंक मोड़ का ऑटो में आप आ सकते हैं। तो बैंक मोड़ पहले आ जाइए, उसका बाद हमें फ़ोन करिए, हम लोग लोकेशन बता देंगे प्रॉपरली आप कैसे आएंगे। मेरा जो फार्म है उसका एड्रेस है बराबरिया इंद्रपुर बाज़ार। ये नीलगंज बैंक मोड़ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भी ले सकता है। आपका फ़ोन नंबर बोल दीजिए व्यूअर्स को। मेरा फ़ोन नंबर है 7595969394। ये आपका ऑल टाइम ऑन रहता है ना? हाँ, ऑल टाइम ऑन रहता है। कभी भी आप फ़ोन कर सकता है, रात में दिन में कभी भी फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, रिस्पांस मिलेगा आपको 24 आवर्स। और आपका ये व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर दोनों एक ही है ना? हाँ डेफिनेटली, ये पूरा एक ही है। ये दादा जापानीज कोई है ना? हाँ जापानीज कोई है, जापानीज कोई का। तो साइज कितना साइज होगा थोड़ा हाथ में लीजिएगा, ठीक है? ये फीमेल है। ये फीमेल है, लोडेड है ना अभी? हाँ, इसका नाम काराशु जेड ब्लैक। काराशु जेड ब्लैक, जेड ब्लैक, ये प्योर ब्लैक है। आपका ऑल इंडिया शिपिंग हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ऑल इंडिया शिपिंग हो जाएगा, बाय ट्रेन हो जाएगा, बाई एयर भी हो सकता है। इसका नाम क्या है, हाथ में लिया था जो जो? ये कोहाकू, कोहाकू, कोहाकू। अच्छा, ये स्नेक है, ये ट्री कलर बोलते हैं, तीन कलर है। अच्छा, इसका प्राइस कितना? ये प्राइस तो डिपेंड करता है साइज का ऊपर। ये स्केललेस 100 से स्टार्ट होता है, ये 800 तक होगा। ये डिपेंड करता है क्वालिटी का ऊपर रेट। कोई भी कस्टमर फ़ोन करता है हमको रिटेल में चाहिए दो पीस? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, लेकिन बाहर का कस्टमर का प्रॉब्लम होता है रिटेल में अगर मांगेगा तो, क्योंकि यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाता है, ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। पर बॉक्स आता है अप्रोक्स 500 रुपीज़, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर कस्टमर ये बेयर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का, हम लोग भेज देंगे। इसका छोटा साइज़ है क्या आपके पास? 2 इंच 3 इंच 4 इंच? छोटा साइज़ है वहाँ पे, थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे अवेलेबल है, अभी भी फार्मिंग हो रहा है, वो सेलेबल साइज़ नहीं है वो। अच्छा, इसको बोलते हैं कबूतो, ठीक है, कबूतो, कबूतो। अच्छा, इसका बड़ा साइज़ नहीं है ना? अभी तो स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक ख़त्म हो गया, ये थोड़ा टाइम लगेगा ये अवेलेबल साइज होने के लिए। थोड़ा यहाँ पे भेलटेल भी अवेलेबल है, लेकिन ये देखिए भेलटेल। हाँ, ये देख रहा है दोस्तों ये अच्छा क्वालिटी का कोई कार्ब है, स्केललेस भी है, इम्पोर्टेड है। अच्छा दादा, कोई कस्टमर आपसे मांगे तो ब्रीडिंग पेयर आप दे पाएगा क्या? ब्रीडिंग पेयर ये देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। ब्लैक का ब्रीडिंग पेयर मिलता है क्या?
नहीं मिलता है अभी अभी एक्चुअली वो ब्रीडिंग पेयर नहीं है मेरा पास, मेरा पास अभी प्री मैच्योर स्टॉक अवेलेबल है। ये बहुत खूबसूरत है, ये तीन कलर थोड़ा एक्सपेंसिव आता है लेकिन मेरा पास ये रीजनेबल। ये प्योर स्केललेस है, इसका बॉडी का ऊपर कोई स्केल नहीं है, आप देख सकता है जूम करके। यही ये ट्रिक है कोई कप का, ठीक है, कुछ भी स्केल नहीं है इसका बॉडी के ऊपर। जो शिंगी होता है, मांगूर होता है, उनका जो बॉडी होता है सेम। अच्छा, स्केल और स्केललेस का जो फिश होता है, हाँ, उसका मतलब अंतर क्या है उसका? एक्चुअली ये एक्सपेंसिव फिश में भी स्केल होता है लेकिन ये एक ब्रीड है, ठीक है, यही टेक्निक है इनका। अगर आपको एक्सपेंसिव फिश चाहिए जापानीज कोई, उसमें भी स्केल होता है लेकिन ये जो स्केललेस है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इंडिया में ये बहुत चलता है। ये सब ब्लैक वाला स्केललेस है ना? स्केल नहीं, नहीं नहीं, स्केल ब्लैक में स्केल है। आप स्केललेस मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक में नहीं मिलता है, ये एक ब्रीड है। एक्चुअली क्वाकू में स्केललेस मिलता है, ये देखिए स्केल नहीं है। अब ये जापानीज कोई का ब्रीडिंग करता है ना? हाँ, ब्रीडिंग तो हम लोग कर लेता हूँ लेकिन यहाँ पे ब्रीडिंग का सेटअप नहीं है, मेरा दूसरा फार्म है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे ब्रीडिंग। अच्छा, कोई भी कस्टमर आपको फ़ोन करे या मैसेज करे, हाँ, तो छोटा बच्चा बेबी चाहिए 1,000, 2,000, 5,000 पीस आप दे? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली हो जाएगा लेकिन एक्चुअली वो बेबी साइज का रेट बहुत कम है तो एक्सपेंसिव सॉरी क्वान्टिटी में उठाना पड़ेगा तो भी हम लोग बेच पाएंगे। मिनिमम क्वांटिटी कितना लेना है? अप्रोक्स 10,000। हाँ, साइज कितना होगा? वन इंची का आसपास होगा साइज। उसका फिश का प्राइस अप्रोक्स 3 रुपीज़ से 5 रुपीज़ से डिपेंड करता है कौन सा ब्रीड लेंगे, क्वालिटी का ऊपर। अच्छा, उसके लिए आपको पहले फ़ोन करना है? हाँ डेफिनेटली, मेरा व्हाट्सअप 24 आवर्स खुला रहता है, कभी कभी फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ लेकिन व्हाट्सअप में हमेशा हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा दादा, हम देख रहे हैं एक सफ़ेद वाला ब्लैक वाला, इसका क्या नाम है? ये वाला? हाँ, ये वाला, ये थोड़ा मेटालिक बॉडी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वेलटेल क्वालिटी मेटालिक, थोड़ा मेटालिक बॉडी है। ये भी कोहाकू लेकिन थोड़ा स्नैक शेप आया इसका। और ये कबूतर, ये बहुत डिमांड है कस्टमर को। ये थोड़ा कबूतर कोई का बच्चा मिलता है क्या? हाँ, बच्चा मिल जाता है लेकिन अभी तो स्टॉक नहीं है। ये कबूतर का ऊपर ये एक्वेरियम में अगर आप रखेंगे तो इसका एक बॉडी का ऊपर एक रिफ्लेक्ट आता है। मतलब कैसे रिफ्लेक्ट आता है? ये देख लीजिए। हाँ हाँ, का टाइम है दादा? फीडिंग आप कितना टाइम फीडिंग करवाता है? अप्रोक्स 2 टाइम तो कराता हूँ, कभी कभी कस्टमर लोग अगर देखना चाहेगा तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स तो हो जाता है। एक्चुअली मेनली मैं 2 टाइम करता हूँ, सुबह और शाम, लेकिन डिपेंड ऑन कस्टमर थोड़ा बहुत मैं कर देता हूँ। इसमें तो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा 1 फीट 2 फीट का जो कोई कार्ड है वो आप बेचता है क्या? नहीं, ये ब्रीडिंग के लिए और ये जो फार्म है, फार्म का ब्यूटी के लिए भी है। अच्छा, ये हम लोग सेल नहीं करते, वो तो अभी बहुत अप्रोक्स इन लोगों का उम्र 7 इयर्स 8 इयर्स इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हम लोग फार्म का ब्यूटी है, ये हम लोग सेलिंग के लिए नहीं है। मतलब लेकिन अगर कोई मांगेगा तो हम लोग मार्केट से अरेंज कर सकता हूँ लेकिन हमारा फार्म का मछली नहीं हम लोग सेल करते। बड़ा साइज का मतलब 1 फीट से 2 फीट कितना? हाँ, प्राइस होगा? दो फीट अप्रोक्स से। ये एक्चुअली बड़ा मछली का रेट थोड़ा कम है क्योंकि मार्केट में सेल बहुत कम होता है, तो अप्रोक्स आपको 1,000 से स्टार्ट होगा मैक्सिमम। यहाँ पे मेरा
5000 के आसपास साइज है। अच्छा दादा, इसमें हम देख रहे हैं भेलटेल एंजल है, ठीक है, ये अभी के बेचने के लिए नहीं, ये बड़ा करने के बाद ही बेचेंगे आप? हाँ, ये सेलिंग साइज है वहाँ पे, वो राइट में घुमाए वहाँ पे सेलिंग साइज। अच्छा, ये वाला सेलिंग साइज है क्या? ये वाला सेलिंग साइज है? हाँ, अप्रोक्स 1.5 इंच बॉडी है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? ये अगर कोई होलसेल में मांगेगा तो 70 रुपीज से 20 रुपीज आएगा, और अगर कोई रिटेल में मांगेगा तो 22 से 25 रुपीज़ हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, और रिटेल और होलसेल में कितना पीस? एक्चुअली डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ये 14 रुपीज़ 15 रुपीज़ में भी आ जाता है। मिनिमम क्वांटिटी कितना लेना है होलसेल में? मिनिमम होलसेल में एटलीस्ट 1000 पीसेस तो सेल करनी है हम लोग, और रिटेल में अगर एक पीस मांगे तो वो भी देना पॉसिबल होगा। अच्छा दादा, इसमें जो खाना देख रहा है इसे बड़ा साइज का है, बड़ा प्लेट का, ठीक है, इसका कौन कौन मछली के लिए बड़ा साइज का होता है? ये एक्चुअली सीपी है, ये 4 mm साइज है, और ये 0.3 साइज है, ये एंजल के लिए, विडो के लिए, ये बहुत छोटा साइज है, ये एक बार आप देख लीजिए, बहुत छोटा है ये, छोटा फिश के लिए। इसका बाद आता है ये 2 mm, ये कौन फिश के लिए? ये भी मीडियम साइज फिश के लिए। ये बड़ा फिश के लिए होता है क्या? हाँ, बड़ा मतलब बड़ा कार्प बड़ा। हाँ हाँ, और इसमें ये हमारा स्पेशल फूड है, ये सिर्फ हम लोग सेलिंग साइज कोई कप के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हाई प्रोटीन खाना भी है और थोड़ा मीडियम भी है, हम लोग ये ओन का मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव खाना भी है, नॉर्मल खाना भी है, हम लोग मिक्सिंग करके बनाते हैं। ये सेल का कोई कस्टमर मांगे तो सेल कर सकते हैं आप? ये हम लोग एक्चुअली हम खुद का फार्म के लिए ही हम लोग ये बनाते हैं, सेलिंग के लिए नहीं है। व्यूअर्स, ये दादा का दूसरे एक्वेरियम का टैंक है, इसमें इम्पोर्टेड क्वालिटी है, इम्पोर्टेड जम्बो साइज़ का गोल्ड फिश है, आप देख पा रहा है पीछे में, ये देखिए बड़ा बड़ा साइज़ का जम्बो साइज़ का गोल्ड फिश है। और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेट करता है मेरे को वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दादा, ये गोल्ड फिश का नाम क्या है? ये पांडा है, ये इसका जेली देखिए, ये लेमन हेड पांडा, ये इम्पोर्टेड का है मेरा पास, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप देख सकता है, अप्रोक्स इंक्लूडिंग फिन ये 7 inches से ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये कितना प्राइस है इसका? ये अभी ये सेलिंग प्राइस पर पीस 2500। दादा, ये तो हम देख रहे हैं जम्बो साइज़ का गोल्ड फिश है, थोड़ा हाथ में लीजिए, देख लीजिए, ये एक अप्रोक्स कितना साइज होगा? ये मैक्सिमम साइज है, ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। नहीं, मैं कितना साइज है इसका? इसका साइज है 6 inch plus साइज। ये सेल करेंगे आप? हाँ, ये अभी सेल कर रहा हूँ, ये सेम लॉट का माल है, ये थोड़ा एक साइज छोटा है इससे, इसीलिए 2200 में सेल हो रहा है। अच्छा, इसका ये जेड ब्लॉक है, ये भी सेम प्राइस में सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक का लास्ट स्टॉक है अभी, ये मैं सेल कर रहा हूँ अप्रोक्स 2000 से। हाँ, ये जेड ब्लॉक होलसेल और रिटेल एक ही प्राइस है क्या? एक्चुअली ये तो यूनिक कलेक्शन है, ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी हमारा पास नहीं रहता है, तो अगर कोई बल्क में लेगा एटलीस्ट 10 पीस, वन बॉक्स लेगा, तो हम लोग रेट रिवाइज कर देंगे। थोड़ा हाथ में लीजिए, हम जेली दिखाएंगे भाई व्यूअर्स को। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, जेली देखिए, इनको पांडा बोलते हैं, इसको पांडा बोलते हैं, देखिए पांडा का इतना बड़ा जेली है, इसमें इन साइज से थोड़ा सा छोटा है। ये गोल्ड फिश का नाम क्या है? ये 3 color लायन हेड गोल्ड फिश, इम्पोर्टेड है थाईलैंड का। अच्छा, इसका प्राइस? ये अभी 3000 में सेल होने वाला है, अप्रोक्स लास्ट स्टॉक है, तो 2500 में हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग पॉसिबल? डेफिनेटली डेफिनेटली हो जाएगा।
एक बॉक्स में मैक्सिमम 10 पीस जाएगा ये। एक बॉक्स में 10 पीस। और शिपिंग चार्ज कितना रुपया? 500 पर बॉक्स। 500 पर बॉक्स। और बाय फ्लाइट में? फ्लाइट में ये तो डिपेंड करता है कौन सा एयरपोर्ट में जाएगा। अप्रोक्स 100 से स्टार्ट होता है पर किलो, तो बॉक्स का वेट का ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत बढ़िया कलेक्शन है गोल्डफिश का। इसका जेली देखिए दोस्तों, इसका जेली बहुत ज़बरदस्त जेली है। साइज मिनिमम 6 से 7 इंच साइज है, माउथ टू टेल। इसका जेली देखिए, इसका जेली देखिए, जेली देखिए इसका, बहुत ज़बरदस्त साइज है। दादा इसमें जो फिश हम देख रहे हैं व्हाइट प्लैटिनम एंजल, ये आपकी सेल के लिए रखा है क्या? हाँ डेफिनेटली, ये सेलिंग साइज है। ये कितना साइज है इसका? ये अप्रोक्स 1.5 इंच से 2 इंच बॉडी। ये कितना रुपया पर पीस होलसेल में? एक्चुअली होलसेल में अगर चाहिए तो 15 रुपीज़ पर पीस आएगा, लेकिन अगर रिटेल में चाहेंगे तो 20 से 25 रुपीज़ हम लोग रिटेल करते हैं। कोई भी कस्टमर हमको बोला 200 पीस 150 पीस चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा? अभी तो क्वांटिटी का ऊपर हमेशा डिस्काउंट होता है। ये अगर बल्क में लेंगे लाइक 1000 पीसेस अगर आपने लेंगे तो अप्रोक्स आपका 13 रुपीस में आ जाएगा। अच्छा, कोई कस्टमर मेरा नाम से आएगा तो मेरा चैनल से कोई उसका अलग से डिस्काउंट होगा? डेफिनेटली, अगर आपका चैनल से आएगा तो हम लोग स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे, एटलीस्ट 10% तो हम लोग दे देंगे एक्स्ट्रा। वाह, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और दादा देख रहा है इसमें भी थोड़ा सा एंजल भी है, उसका नाम क्या है? मार्बल स्क्रास बेल्टेल एंजल। इसका प्राइस? प्राइस ये डिपेंड करता है, ये तो साइज अभी जो अवेलेबल है 20 रुपीज़ से 22 रुपीज़ में हम लोग सेल कर रहे हैं रिटेल। अगर बल्क पे लेंगे तो 10 से 12 रुपीज़ में आ जाएगा। 10 से 12 रुपीज़? 12 रुपीज़। इसका इसका एक ही साइज है ना? हाँ हाँ, साइज सेम है। एक्चुअली ये बेल्टेल है, इनका ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसीलिए हम लोग डिवाइड करके रखा है। स्पेस ज़्यादा चाहिए इनका, ये बेल्टेल है तो इसीलिए स्पेस ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए हम लोग डिवाइड करके रखा। अच्छा, अभी आपके पास कितना बेल्टेल का क्वांटिटी है अवेलेबल? अभी तो स्टॉक सिर्फ बेल्टेल, ये जो मार्बल स्पर्स दिख रहा है यही अवेलेबल है अभी। कम से कम 200-300-500 पीस हो जाएगा? अगर बल्क में चाहिए 10,000 क्वांटिटी भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, आप चाहे तो ऑर्डर करें तो कस्टमर आपको हम अरेंज करके दे सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और आपको कोई भी कस्टमर देखिए, आज मैं वीडियो करके लेके गया, कोई भी कस्टमर 2 दिन बाद बोले आपका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए कि आपको अरेंज करके दे सकता है कोई कस्टमर को स्टॉक? हाँ डेफिनेटली हो जाएगा आपका पूरा। उसके लिए कितना दिन टाइम लगता है? अप्रोक्स हम लोग ऑर्डर करने के बाद 2 दिन तो टाइम लेता है डिस्कस करने के लिए, 2 दिन का अंदर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये वीडियो का मतलब है बहुत कुछ आपको जानने को मिला, बहुत कुछ देखा। बड़ा बड़ा जंबो साइज़ का गोल्ड फिश है और आप मांगते हैं बड़ा साइज़ का, भैया बड़ा साइज़ का वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ बनाया है। आप चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, भैया से आके ले सकता है, भैया का एड्रेस फ़ोन नंबर सब दिया हुआ है। और आपको ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी पॉसिबल है भैया का, और भैया से एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए, मेरा नाम से आएगा तो बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, टाटा।